हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, क्या है ट्वेल्थल पोर्टल का इफेक्ट, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर क्या होगा, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट होगी आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, और अगर पॉसिबल तो मैं तो चाह रही थी कि वैसे आज मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग निकालूँ कि 2023 के लिए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम है तो पहले सोचा पोर्टल का मैं इफ़ेक्ट निकाल लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो पोर्टल का इफ़ेक्ट जानना चाहते थे। दो दिन से मैंने की थी रीडिंग अपलोड, बट वहाँ पे कुछ साउंड वाइब्रेशन बहुत लोग कंप्लेंट आ रही थी, तो मैंने रीडिंग ही डिलीट कर दिया। एक्चुअली बहुत अच्छी रीडिंग थी, बट क्या फ़ायदा ना जब आप सुन ही नहीं पाएंगे, तो उसका मैं फिर कभी लेके आऊँगी। आज मैं पोर्टल का इफ़ेक्ट आपके लिए क्या होगा वो मैं देखती हूँ। किसी ने कहा था कि आपका माइक और फ़ोन भी नया लिया, ऐसा लगता था कि पुराना ही फ़ोन शायद अच्छा था और वही पुराना मेरा माइक अच्छा था, क्योंकि नए माइक से ही इतनी आ रही थी। तो चलो, आज मैंने मेरी जो बेटी है उसका भी चैनल है, तो उसका मैंने माइक ले लिया है और उसके माइक से मैं कर रही हूँ। कहते हैं कैंजा माइकल को कॉल, यार कैंजा माइकल मैं आपको वो करती हूँ, आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं पहले कार्ड के ऊपर। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी ट्वेल्थ पोर्टल के बाद कैसी है। इनके एनर्जी में क्या चेंज आए हैं, इनके पर्सन के एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं, प्लीज गाइड मी। जी, इनके एनर्जी में तो बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, ये बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इनके लाइफ में ऑप्शंस तो है, और हो सकता है ये ऑप्शंस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, इनके मदर है, फादर है, स्पाउस है, या कहीं और मैरिड तो हो सकते ये पर्सन, बड़ी बहन, सिस्टर। जी हाँ, ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, आपको पता है ये बात। जी हाँ, किसी सिचुएशन का ये पर्सन वेट कर रहे। वैसे इनकी एक्शन की एनर्जी पहले आई थी, ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं टुवर्ड्स यू, बट इनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस भी है, वहाँ पे इनके उनको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, वो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, जैसे कि कुछ है वहाँ पे इनका काम, वो उनको पूरा निपटाना है, पूरा करना है। ये कहीं और मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, और इनकी वाइफ, स्पाउस, बच्चे, ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका खुद का वर्क, ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है इनके लाइफ के ऑप्शंस। बट इस वक्त आपको लेकर इस पर्सन को अट्रैक्शन तो बहुत हो रहा है, ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं इनके लाइफ में जो कोई भी ऑप्शंस है, जहाँ कहीं भी उनको, मतलब वो ड्यूटी करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी केयर करना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सब कुछ मैनेज करके ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं। वैसे पेज की एनर्जी है, तो ये इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, क्योंकि इमेच्योर क्योंकि प्यार है, सब कुछ है, फीलिंग भी है, और अच्छा इनका आपके लिए इंटेंशन भी मुझे लग रहा है ट्वेल्थल पोर्टल के बाद। अब तक नहीं था तो इनका काफ़ी सारा एटीट्यूड चेंज होगा आपको लेकर, पहले ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है अब ये पर्सन आपके ऊपर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ कम हो गई, इनके लाइफ में ऑप्शंस भी है, तो वहाँ पे भी ये काम करेंगे, बट पहले जैसे पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर आपको करते थे, अब मुझे लगता है कि ये पर्सन बैलेंस बना लेंगे अपने ऊपर, और ये पर्सन आपको अटेंशन देंगे, आपके टुवर्ड्स ये पर्सन आएंगे।
बस ये पर्सन है ना, एक टाइम का वेट कर रहे, एक सिचुएशन का वेट कर रहे, जैसे सिचुएशन के फेवर में आती है तो ये पर्सन तुरंत आपको मिलने के लिए आ जाए। जैसे ये पर्सन 101% आपसे कंसिलेशन तो चाहते हैं, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, ये सेक्सुअली इस पर्सन की कुछ डिज़ायर है वो भी आपसे फुलफ़िल करना चाहते हैं, बट ये पर्सन मानते हैं आपका शायद अब तक शायद इन्होंने नोटिस नहीं किया था, तो ये आपका नेचर, आपका एक केयरिंग नर्चरिंग नेचर ये पर्सन नोटिस करेंगे, आप कितने ब्यूटीफुल हो। शायद ये पर्सन अब तक बोल नहीं रहे थे, तो आगे चलकर ये पर्सन ये बात बोलेंगे कि आप इनको बहुत अट्रैक्ट करती हो, आप कैसे हो। तो शायद ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग आपको बोलेंगे, ये पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे, अभी एक्सप्रेस करेंगे। हालांकि इस पर्सन का ओवरऑल नेचर नेचर है ना, वो बहुत ही रूड है, बहुत कम बात करते हैं, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। बट अब ये पर्सन है ना आपसे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा आप में इन्वॉल्व करना, या फिर आपको अप्रिशिएट करना, आपको भी इक्वल इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में देना ये पर्सन चाहेंगे। अब तक इस पर्सन ने कुछ दिया नहीं था, इस पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी ऑप्शन थे इन्हीं में ये पर्सन अब तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बट क्या है ना कि अब ये पर्सन आपके ऊपर भी उतना ध्यान देंगे, ऐसा सब कुछ ये पर्सन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पेज ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है। जी 101% कंसिलेशन चाहते हैं और कुछ एक्शन ले रहे लेंगे ये पर्सन। पोर्टल का बहुत अच्छा इफेक्ट मुझे दिख रहा है, मैंने बोला ना पहले इस पर्सन ने आपको बहुत रूड बिहेवियर किया था, इस पर्सन का हमेशा ही नेचर आपके टूवर्ड्स बहुत रूड रहा हो, बट अब ये पर्सन ना एक अपोलॉजी करते हुए दिख रहे हैं आपसे। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? अब मुझे नहीं पता गाइस ये रिकॉर्डिंग कैसी होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं निकालूंगी, मैं चेक करूँगी, क्योंकि इतना अच्छा मैंने लिया था बट जी थोड़ा सा आ गया है यहाँ पे। मैं इसी बात से मैं डर रही थी कि 7 ऑफ सोर्ड्स ना आ जाए, बट ये आ गया है। इनके लाइफ में ऑप्शंस है गाइस, थी तो ये चीटिंग आपको लग सकती है। देखिए उनके लिए मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी कमिटेड है, आपको पता नहीं है, ऐसे हाल में आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपसे चीट करेंगे आगे भी। बट अगर आपको पता है ऑलरेडी ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये पर्सन माफ़ी मांग के आपसे रिकन्सिलेशन करते हैं, ये पर्सन बोलेंगे भी इक्वल गिव एंड टेक देंगे, बट आपको शायद आगे चलकर पता चलेगा कि जो इन्होंने बोला था ऐसे उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये वाली चीटिंग मुझे लग रही है कि जैसे कि अपने कमिटमेंट ये पर्सन आपको फॉलो नहीं करेंगे आगे। हाँ ये जुड़ना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपको लेकर एक डिज़ायर है, आपका साथ इनको ये आपका साथ ही इंजॉय करते हैं, ये पर्सन आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं, बट इसके बाद भी ये पर्सन अपनी कमिटमेंट आगे चलकर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है। यहाँ पे किसी के लिए मुझे भी एनर्जी आ रही कि ये पर्सन मैरिड है, आपके साथ कमिटेड, इसके बाद भी ये पर्सन किसी और ऑप्शन के साथ हो सकता है आगे डील कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी अप्रोच करेंगे, ये वहाँ पे ट्राई करेंगे, बट ये प्यार इनका आप ही के पास आएगा, घूम फिर कर आपके पास आते हैं। देखिए जो आपको लेकर इनको जो कनेक्शन फील होता है ना, वो शायद इनको कहीं नहीं होता है, ये पर्सन जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं यार आप जैसी बात कही और नहीं, फिर ये घूम फिर कर आपके पास आते हैं, ऐसा कुछ रहा है इस पर्सन का नेचर, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ये ना मुझे लवर देख कर तो मुझे कहना चाहिए कि जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, और जब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है तो उसमें तो ये सारी बातें आती ही आती है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी बातें रहती, बट हाई वाइब्रेशन सोलमेट भी है ना तब भी ये बात है। क्या है ना कि आपसे जुड़कर इनको जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, शायद मुझे पता नहीं, अगर आपसे जुड़कर इनको होता है तो लोग बाहर इतना फ्लोर क्यों करते हैं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। चलो भाई आपकी शादी हो गई, इसके बाद भी आपको लेकर इनका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इसके बाद भी इनको बाहर क्या ढूंढना होता है मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ये डीएम के डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी या फिर पर्सन की एनर्जी से क्यों हो जाती है, तो फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते, बढ़ जाने दो, ये होने के बाद फिर घूमते हैं, फिर पड़ते अपने मुंह के ऊपर। इसका शायद एक ही रीज़न हो सकता है कि इन्होंने कुछ कर्मा बना लिया हो किसी से, किसी लाइफ में उनको क्लियर क्लियर करना होता है शायद, इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी जाते हैं बाहर। बट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है ना कि आपको पता चल जाएगा कि ये और ऑप्शंस के साथ भी कर रहे हैं, तो आप भी अपना, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी तो नहीं निकाली, आप शायद इनसे गुस्सा हो जाए, आप शायद क्योंकि इतना तो लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो एक्चुअली इनसे गुस्सा हो या फिर आगे होंगे,
तो ये पर्सन अपने हर गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे प्यार भी अप्रोच करेंगे। मैंने बोला ना, आप बहुत ब्यूटीफुल इनको लगने वाले हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो, और ये पर्सन आपको ऐसे ही एंगल से देखेंगे, ऐसे ही सोचेंगे, जो आप हो ना, जो आपने आप बना लिया है खुद को, बिल्कुल वैसे ही ये पर्सन नोटिस करेंगे। शायद पहले ये पर्सन आपकी ये बातें नोटिस नहीं करते थे, आपको इग्नोर बहुत करते थे, बट आपकी हर एक मोमेंट ये पर्सन आगे चलकर ऑब्जर्व करने वाले हो, क्योंकि ऑप्शंस में जाने के बाद अगर ये पर्सन को लगेगा कि भाई आपकी क्वालिटी जैसी तो कोई क्वालिटी इनको नहीं मिल रही है, तो ये घूम फिर कर आपके पास आएंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है इंजन? कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है आपकी मुझे इस रिलेशनशिप में जी। आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन तो इस पर्सन को है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेकर होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों में से कई सारे लोग प्लान बना ले कि आपको कहीं घूमने जाना है, फॉरेन घूमने जाना है, या फिर कहीं बाहर घूमने जाना है। बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्ट आपको लेकर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन में, आज मेरे रीडिंग मुँह से बहुत ये बात आ रही है, बहुत सच, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये पर्सन फील करेंगे आपको लेकर जी। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक देंगे, सही टाइम शायद आ जाएगा। पोर्टल के बाद जो जिस वक्त ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे ना, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स के दो बार एनर्जी आई है, आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। हाँ, अगर हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में इनकी किड्स हो सकते हैं, तो भाई ये अपनी पूरी एनर्जी बैलेंस कर लेंगे कि अपनी फैमिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस करके ये पर्सन आपको भी उतनी ही तवज्जो इस रिलेशनशिप में देंगे। देखिए अगेन यहाँ पे टेम्परेंस का बैलेंस कर रहा है टू ऑफ पेंटेकल्स, ये पर्सन इस रिश्ते को कम्प्लीटली बैलेंस कर लेंगे। इसमें ये अपनी सूझबूझ, अपना करेज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर सब कुछ यूज करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इतने सारे कार्ड्स में ना गाइस साइंस ऑल आ जाते हैं, तो मेरी हर रीडिंग आप ऑल साइन के लिए भी देख सकते हैं जी। हाँ, पेज ऑफ पेंटेकल्स, ये पर्सन, मैंने बोला कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, बट ये पर्सन आपकी आपके पास आते हुए दिख रहे, जैसे कि इनको डायरेक्शन मिल गई है, इनको टाइम आ चुका है, और इनको अब लगता है कि आपके पास ये आ सकते हैं, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपना योगदान दे सकते हैं। बट क्या है ना, एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है इस पर्सन के बाद में, जब मैं स्टार्ट करती हूँ एनर्जी बहुत फास्ट अच्छी अच्छी होती है, बट एक कार्ड पेज ऑफ पेंटेकल्स का आ ही जाता है जो दिखा देता है कि सोचेंगे बट ये यहाँ पर इतना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा लोगों का काम चल रहा है, इस चक्कर में अगर मैं बैठूँ तो मैं आपको रीडिंग नहीं दे पाऊँगी। नैना पप की एनर्जी क्यों है? हर प्लाट में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, खुद मेरे घर में भी काम चल रहा है जी। ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने लिया नहीं था, बट मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को किस बात का गिल्ट है, और ये गिल्ट क्या होगा ना कि इस पर्सन ने आपको बहुत डिटैच करके रखा था, इन्होंने बहुत रूड बिहेवियर किया था आपसे, इस बात का गिल्ट, इस पास का इस पर्सन को एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब स्लीपलेस नाइट्स 80% के रहने वाली है, थोड़े हेल्थ इश्यू इस पर्सन के होंगे, क्योंकि ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके भी नीचे ना जो कार्ड था तो यही था फोर ऑफ सोर्स का, तो इनको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं इस पर्सन को, थोड़ा ये स्ट्रेस तो लेंगे, इनको बहुत सारा गिल्ट भी होगा इसी बात का, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने बिहेवियर तो आपसे अच्छा नहीं किया है। आपने अपने ओर से इनको कंप्लीट प्यार दिया है, बट इस पर्सन ने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, जब भी आपको सेक्रीफाइस करना था आपको रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस कर दिया है, जब भी आपसे जुड़ना था ये जुड़े हैं, आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कुछ टाइम तक आपको अच्छा फील करवाते हैं, बाद में ऐसे ही हो जाते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ ही कुछ ऐसी हो, बट ऐसा नहीं कि इनको बुरा नहीं लगता, इनको लगता है बुरा, ये तो मैंने देख लिया तो। बट मैं अब ये टॉपिक क्या लूँगी, नेक्स्ट एक्शन तो नहीं लूँगी, बट ये मैं पूछूँगी आर्केंजल से कि इस ट्वेल्टल पोर्टल का परमानेंट क्या इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे होगा। तो जो कुछ भी परमानेंट इफेक्ट होने वाला है इस पोर्टल का, तो ये आर्केंजल माइकल आप मुझे बताएं। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका और इनके पर्सन के रिलेशनशिप का, आपने तो बोल दिया इनके एनर्जी ऐसी चेंज होने वाली है, तो इसका परमानेंट इफेक्ट क्या होगा ये मुझे आप बताइए। ये पोर्टल की एनर्जी वैसे तो चेंज ही हो जाती है, ये परमानेंटली, मैंने वही बोला ना कि ये पर्सन बाद में पता नहीं आपको कि ये कैसे करेंगे क्या करेंगे।
जी आपको क्लैरिटी तो मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में, नई स्टार्ट होगी। जी कुछ क्लैरिटी मिलने के बाद शायद आप इस पर्सन को डिटैच कर दें, एक आइसोलेशन मोड इस रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे, एक्शन भी है बट कुछ टाइम के लिए एक आइसोलेशन मोड दिख रहा है, जैसे कि किसी डिसीजन पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जगलिंग वाली एनर्जी रहेंगी उस टॉप पेंटेकल में जो हमने निकाला था पिछले डेक का, तो वहाँ पे थोड़ी बैलेंस की एनर्जी टॉप पेंटेकल की थी, यहाँ पे इम्बैलेंस है। कोशिश होगी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, बट एक शुरुआत भी होती है बट बहुत स्लो। ये पेज ऑफ पेंटेकल हर डेक से आ ही जाता है, आपके एंजल आपके जो पर्सन है ना तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, एक्शन लेने के मामले में बहुत स्लो है। वर्क होगा इस रिलेशनशिप में, जी थोड़ा आइसोलेशन, स्ट्रेस लेस, स्लीपलेस नाइट, चीटिंग, जी ये है परमानेंट इफेक्ट इस पर्सन से, वो तो चीटिंग होने वाली है गाइस। तो शायद कुछ क्लैरिटी आपको मिले, शायद आप ही एक मन बना ले शायद कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे लग रही कि इनको डिटैच करना, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना, क्योंकि वैसे ही ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं आगे जाने वाला। अगर आप अनमैरिड है और आप कुछ उम्मीद रखते इस पर्सन से कि आगे चलकर फ्यूचर में आपसे शादी कर ले या आपसे होके रहे, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। थोड़े हेल्थ इशू या तो आपको पर्सन को होने वाले हैं, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि इस रिलेशनशिप में बार बार ये सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे पर्सन थोड़ी एक चीटिंग वाले एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। इनको आपको भी जाने नहीं देना है, और इनका जो भी कुछ चल रहा है सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उनको वो भी कंटिन्यू रखना है। शायद इस बात की एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आगे चलकर, और आप ये पर्सन कितना भी आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता है आप इस पर्सन के जासे में आएंगे। आप एक डिसीजन लेंगे शायद इस पर्सन को, और जब ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस होगा तो हो सकता है आप अपनी लाइफ की शुरुआत कहीं और करते हुए मुझे दिख रही है। एक नए पर्सन की एंट्री मुझे आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है, क्योंकि थोड़ा आप काम करेंगे इसके ऊपर कि नहीं वर्कआउट होगा ये रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। इस बात की आपको तकलीफ तो बहुत होने वाली है बट हीलिंग करके शायद आप अपने आप को बैलेंस कर ले, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सिवाय धोखे की कुछ भी नहीं है, सिवाय चीटिंग के कुछ भी नहीं इस रिलेशनशिप में, ये आपको पता है। यहाँ से आपको फाइनली मैरिज कमिटमेंट तो नहीं मिलने वाली। हाँ, ये पर्सन एक शादीशुदा ज़िंदगी जैसी खुशियाँ आपको दे सकता है जैसी ज़िंदगी, शादी नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इस ऑफ सोर्स की एनर्जी, शायद यही क्लियरिटी, जो क्लियरिटी है जो थोड़ी बीटर ट्रूथ है, बट ये कर लेंगे आप उस चीज़ को लेकर, थोड़ा एक आइसोलेशन मोड में भी शायद जा सकते हैं आप। जी क्लियरिटी मिलने के बाद कुछ आर्ग्यूमेंट आपके होंगे, मैंने बोला ना थोड़ा बीटर ट्रूथ है क्लियरिटी, झगड़े होंगे आपके, क्या क्यों है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी आर्कैंजल माइकल। क्यों नो सोर्स की एनर्जी क्यों है आपके यहाँ माइकल, प्लीज गाइड में। दिल टूटने वाला है, हार्ट ब्रेक है जी हाँ, अपनी वैल्यू की, अपने रिस्पेक्ट के लिए आप काम करेंगे आगे,
कुछ क्लैरिटी आपके आपको इस पर्सन से मिलने वाली है, क्योंकि इनका जो नेचर है ना, हमेशा ऑप्शंस में फ्लोर आउट करना, तो शायद ये आपको नहीं अच्छा लगेगा। और आप एक सड़े तोड़ कम्युनिकेशन इस पर्सन से करने वाले हो सकता है इसके बाद आप इस रिलेशनशिप से निकल जाए, या फिर हो सकता है इसके बाद ये पर्सन कुछ टाइम लेके आपको एक बताएंगे कि ये जो आप वैल्यू रिस्पेक्ट चाहते इस रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट चाहते, एक स्टेबिलिटी चाहते, ये आपके देने के लिए रेडी है। ऐसा कुछ ये पर्सन किसी किसी के लिए मिल सकते हैं, या फिर किसी किसी का दिल टूटने के बाद, एक आइसोलेशन मोड में जाने के बाद, यहाँ पे हो सकता है आप में से कई सारे लोग अपनी खुद के वैल्यू के लिए, खुद के रिस्पेक्ट के लिए एक नई दिशा की ओर जाते हुए दिख रहे। और हो सकता है आप इसके बाद थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करें, आप कहीं जाए, बाहर घूमने जाएं, आप थोड़ा टाइम अपने आप के लिए निकालें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि इस दिल टूटने के बाद, इस हार्श कम्युनिकेट आर्गुमेंट के बाद, ये पर्सन थोड़ा सोचने के बाद अगर आपको बोलेंगे कि आपको भी वही वैल्यू, वही रिस्पेक्ट देंगे जो आप चाहते हैं, तो इसी पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। तो आप पेंटेकस का एनर्जी क्यों है एंजल? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, यहाँ पे ना आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने बोला दो स्टोरीज मैंने आपको बोला है यहाँ पे। ये पर्सन बोलेंगे, पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन सिर्फ काम निकालने के लिए आपसे बोलते हैं कुछ बातें, कुछ आपको प्रॉमिस करते हैं, कुछ दे देते हैं ऐसे कि कमिटमेंट की ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट इस पर्सन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी लाइफ और आपको। ये थोड़ा टाइम अच्छा निकालने के बाद ये पर्सन जब इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, जब ये पर्सन इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाते, तब ये पर्सन आपका दिल तोड़ देते हैं, ये पर्सन आपको डिटैच कर देते हैं। और इस बात से ये आपको एनर्जी मिलती है कि इस रिलेशनशिप से आपको बस पेन ही पेन मिलना है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना ही ठीक है। मतलब एक आर्गुमेंट के बाद, एक क्लैरिटी के बाद आप कोशिश करेंगे यहाँ इसको एंड अप करना, इससे निकल जाना टाइम लेके, बट किसी किसी के पर्सन आपको मना लेंगे। मना लेने के बाद फिर आपसे आपके साथ वही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोला, और जब मैंने बोला कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, तब क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के न जाए, बट जैसे ही मैंने एनर्जी किसी के लिए पुट ऑन कर दी कि आप इसी पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन में जाएंगे, मतलब जंगलिंग की एनर्जी में जाएंगे, तो आपको वही मिलने वाला है, वही डिटैचमेंट, वही पेनफुल एनर्जी, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जो लोग इसी पर्सन के साथ जाएंगे ना, तो उनके साथ मुझे लगता है आगे चलकर ये बात होने वाली है। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग गाइस, इसको किसी भी रीडिंग को आपको अपने लाइफ के मेजर डिसीजन नहीं लेना है। कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर जो एनर्जी आ रही है, मैं आपको पुट ऑन कर रही हूँ, एनर्जी निकालने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप थोड़ा अलर्ट रहे, आपको पहले से गाइडेंस मिल जाए, आप प्रिपेयर रहे। ऐसा आपका एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आप शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की, और हो सकता है आपको कोई नया पर्सन भी मिल जाएगा, और ये आपका वो पर्सन है जो विश फुलफिलमेंट करेगा। अगेन मुझे लगता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यू से पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, फिर इसी पर्सन के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एंड यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स एंड सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, तो इसीलिए लग रहा है कि आप वापिस इसी पर्सन के साथ जाएंगे, जैसे कि आप इस पर्सन के प्यार के लूप में फंस गए हों, कि एक ब्रेकअप होने के बाद आप एक एनर्जी पे आते हो, एनर्जी पे आने के बाद अपने आप के लिए सोचते हो, अपनी वैल्यू, अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हो, थोड़ा टाइम निकल जाता है, फिर बाद में ये पर्सन आपसे एक नई कोशिश करता है। हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटेकल के एनर्जी क्यों है। अगर ये कहाँ पे हो सकता है पता है क्या? आप इस पर्सन के साथ मैरिड कनेक्शन में हो, और ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग लूप में बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, तो शायद इस कनेक्शन में रहना आपकी मजबूरी हो सकती है। बट यहाँ पे जिनके लिए मजबूरी नहीं है, या फिर आप मैरिड होने के बाद भी हो सकता है आप अपनी लाइफ की शुरुआत कहीं और कर सकते हैं, तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना अगेन आप धीरे धीरे करके एक नई शुरुआत की ओर जाती हुई दिख रहे हैं। या तो इसी पर्सन के साथ आप शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप स्टेबल होगा, या तो कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। एट ऑफ पेंटेकल्स का एनर्जी क्यों है एंजल? जजमेंट,
ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में। जी हाँ, एम्प्रेस बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और या फिर जो कोई नया पर्सन आएगा आपके लाइफ में, हो सकता है वो पर्सन आपको वही मतलब इस पर्सन ने बोला होगा आपको कि आप ऐसे हो वैसे हो, बट जो पर्सन नया मिलने वाला है या आपको वो एक्चुअली बिहेवियर देगा, वो आपको एक्चुअली वो अटेंशन देगा, एक्चुअली आपके साथ वही करेगा, मतलब बोलना और करना। तो ये करने वाला है, जो नया वाला मिलेगा वो करने वाला है। या फिर हो सकता है 2-3 बार इस लूप में फंसने के बाद ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आपको आपके साथ इस रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। हमने दूसरे डेक से भी निकाला था, वहाँ पे भी ये एम्प्रेस की एनर्जी थी, फिर आपका क्वीन की एनर्जी थी। तो ये पर्सन देता है आपके वैल्यू, रिस्पेक्ट करता है। बट इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये अगर कहीं और सिचुएशन में फंसा है, कहीं और मैरिड है, तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि पोर्टल का इफेक्ट तो ऐसा है कि पहले बहुत रूड बिहेवियर करता था, तो इस बार ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इसको अंदाज़ा है कि आपका ये हर्ट किस तरीके से तोड़ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अंदाज़ा होना है, माफ़ी मांगनी, इसके बाद फिर वही करना है। तो इस बात से मुझे भी दिक्कत होती कि अगर या तो आप फॉलो करो या तो आप ना करो। एक बार किसी का दिल टूटेगा, टूट जाने, तो फिर बार बार ही आपको वो मरने वाली एनर्जी क्यों देनी है, सुसाइडल थॉट वाली एनर्जी क्यों देनी है। बट इस रिलेशनशिप में आपको ये मिलने वाला है, मुझे लगता है आप नहीं छोड़ पा रहे इस पर्सन को। इसका मतलब एक ही लग रहा है कि आप भी बहुत अंतरंग से इस पर्सन को प्यार करते, गहरे अंतरंग से आप इस पर्सन को प्यार करते, डीपली हार्टेड आप नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए इस पर्सन की कमियों के बावजूद, इस पर्सन के इतने फॉल्ट के बावजूद भी आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। अब ये आपका ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये आपका प्यार ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे। बट इसका जो कुछ भी, ये पर्सन भी एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप के रूप, ऐसा नहीं है। बट इस पर्सन की प्रॉब्लम है कि ये बैलेंस नहीं कर पाता है। जब भी एक्शन की बात आती है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत तेज में चली जाती है, इमैच्योर एनर्जी इस पर्सन की रहती है। बट ये काम करेगा, और जब देखिए अगर आप सही दिल से काम करते हो, वहाँ पे डिवाइन तो जस्टिस करता ही करता है। तो ये डिवाइन का इंटरफेरेंस होगा, और आपको इस रिलेशनशिप में एक्चुअली वो प्यार, वो सम्मान, वो केयरिंग नर्चरिंग लव इस पर्सन से मिलता हुआ दिख रहा है। द चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन अगर कहीं स्टक थे तो वहाँ से ये पर्सन निकल जाएंगे, या आपको अप्रोच तो कर रहे गाइस। नाइट ऑफ हैंड्स की भी आई, कप की भी एनर्जी आई है। और ये पर्सन अगर आपको छोड़ के दूर गया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हुआ था, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। मतलब इनके सराउंडिंग जो बेड़िया किसी ने डाल के रखी, अंत में उसका एंड होगा। बट यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, मैं ये भी देखूंगी। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों दी है आपने? जी, यहाँ पे मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि हाँ, इतनी सब सोरोफुल या फोर ऑफ सोर्स यस, हीलिंग हीलिंग करेंगे। शायद आप में से कई कई सारे लोग ना अपने रिलेशनशिप को लेकर हीलिंग करेंगे, और ये चीटर की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे फैमिली में। हो सकता है ये पर्सन ना अगर किसी और मैरिड है, तो एक लीगल बैटल में फंसा ये पर्सन, और इस कानून के पचड़े में फंसने के कारण ही हो सकता है कि इस पर्सन की ओर से आपको वो स्टेबल एक्शन नहीं मिल रहा था, दूरियां बढ़ रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप में। अंत में कोई सॉल्यूशन इस पर्सन के लाइफ में आने वाला है, और इस पचड़े से पर्सन निकलेंगे। और यहाँ हो सकता है कि इस बात के लिए मुझे लगता है एक स्पेल की एनर्जी आ रही है, कि कोई स्पेल करवा रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर। जी, कैंडल मैजिक स्पेल, रिलेशनशिप स्पेल, एक्चुअली गाइज ये डिवाइन एनर्जी होती है, कहीं से वाइट मैजिक होता है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। तो आप में से कई सारे लोग चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में ये जो चीटिंग वाली एनर्जी आती है, बार बार रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, ये खासकर मैरिड लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपके मैरिड लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का बार बार इंटरफेरेंस आता है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बिहेवियर में चले जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी की ओर से कुछ एक्शन के कारण ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाते हैं, उनको उनको लेकर बैलेंस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है अंत में इस रिलेशनशिप का एक सर्टन एंड हो जाएगा, या फिर ये पर्सन आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं, जो गया है दूर से आपको, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि कोई फॉरेन का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है।
सारे एस यहाँ पे आ गए, एस ऑफ मैन, एस ऑफ पेंटेकल, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, सारे एस यहाँ पे आ गए। मतलब किसी के लाइफ में जेन्यून तरीके से एक नई शुरुआत हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, तो ये बात मुझे लग रही है। किसी के लिए नया रिलेशनशिप मिल रहा है और किसी के लिए इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है। हालांकि परमानेंट में जब मैंने एनर्जी निकाली है तो हो सकता है 2024 की कंप्लीट एनर्जी यहाँ पे किसी की पिक हो गई हो, कि ये हार्ट ब्रेक होना, फिर लूप में चले जाना, फिर स्टार्ट होना, फिर ब्रेक होना, बट अंत में इसका सॉल्यूशन आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर एनर्जी थी ऐसे किसी कोई चीट कर रहा है, बट यहाँ पर एनर्जी आई है टेन ऑफ कप, अंत में चीटिंग का चीटिंग कन्वर्टिंग इंटू योर फैमिली, मतलब चीटिंग खत्म, फैमिली एनर्जी शुरू। तो अच्छी है गाइस, चलिए मुझे लगा था क्लेरिफिकेशन में क्या मिलेगा मैसेजेस, तो यस आ गई है। जब ये डेक हम लोग निकालते हैं ना, मतलब मेरा तो ये तरीका है कि जब मैं ये निकालती हूँ तो ये मैं देख लेती हूँ एनर्जी क्या है, और फिर जब मैं इनको क्लेरिफाई करती हूँ तब तो मैं देखती हूँ कि ऐसा क्यों है और इस पर क्या सोल्यूशन हमें मिल सकता है। तो इसीलिए मैं हर कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ, भले पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कि मुझे इंट्यूशन आती है कि मुझे ऐसा कुछ देना चाहिए, तो मैं आपको ऐसा ही गाइडेंस देती हूँ। इसीलिए ना मैं लेट नाइट रीडिंग निकालती हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस होता है रीडिंग में। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए मैं देखती हूँ, डियर एंजल। सक्सेस, रोमांस, एंजल तो बहुत अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब हमने परफेक्ट गाइडेंस आपको दे दिया है। बिग हैप्पी चेंजेस, चूज़ न्यू डायरेक्शन, ये हाँ नया कनेक्शन दिख रहा है, मैंने बोला है आपको बिग हैप्पी चेंजेस है। बी असर्टिव, ये उनके लिए है जो इसी पर्सन के साथ रह रहे हैं, ट्रस्ट बनाए रखे जी। न्यू वालों के लिए भी भेज दे दिए एंजल्स ने मैसेज, थैंक यू एंजल्स, और जो लोग इसी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए भी दे दिया, ट्रस्ट बनाए रखे, पॉजिटिव माइंड सेट से रहिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ उन लोगों के लिए है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला ना मैंने 2024 की एनर्जी मैंने किसी के लिए पिक कर ली है, तो शायद कुछ महीने या फिर लगभग एक साल में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। यू आर रेडी, ईश्वर पे भरोसा बनाए रखे, खुद पे भरोसा बनाए रखे, एंजल्स पे भरोसा बनाए रखे। तो गाइस मैं रीडिंग अभी एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ ये माइक कैसा वर्कआउट होता है, तो अगर होता है तो हम लोग 2024 के लिए ना एक डिटेल रीडिंग निकालेंगे। वैसे निकाली थी बट ये कल की थोड़ी वॉइस को प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मैं फेस से निकालूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।